यही बीजेपी सरकार थी कि अगर हमारी सरकार आएगी हम 450 रुपया पर क्विंटल गन्ने का रेट देंगे इलेक्शन से पहले, हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करवाएंगे। ना 14 दिन में भुगतान हुआ और ना गन्ने का रेट 450 हुआ। अब पूरे 5 साल में अब 25 रुपए का रेट बढ़ाया है। एक छोटा सा इस पर जवाब, गन्ने पर थोड़ा सा बाद में आ जाएंगे, करेंगे चर्चा, परंतु जो बात एक एमएसपी की कह रहे हैं, हाँ। भुगतान की बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड में इस बात को बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर बराबर एमएसपी पर खरीदारी हुई है, पहले से बढ़कर के खरीदारी हुई है, और तीसरे दिन किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंचा है। अच्छा बताओ, गन्ने का विषय बताता हूँ, रूल का विषय भी मैं बताता हूँ। एक सेकंड प्रभु, ये रूल होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं, जिस पर आप अपनी पीठ थपथपाए। क्या ये सच्चाई छिपी है कि इस देश के में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है? बताओ कहाँ मिल रही है? अच्छा झूठ का बताओ कोई इलाज है क्या? अच्छा झूठ का तो कोई इलाज ही नहीं भाई, सरासरी सब देश के सामने झूठ बोल रहे, बताओ क्या इलाज है? कर लो क्या करो इनका, देखिए। लेकिन गलती इनकी भी कुछ नहीं, चल इनकी भी कुछ नहीं रही, इनका भी बस्ता दे रखा हाथ में, क्या बोलना है सब बंधन में है। नहीं बोलने की आजादी तो केवल राकेश टिकैत जी को है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमको है लेकिन पिछले 10 महीने में जो जो इन्होंने बोला है उसका जरा एक पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जाए तो खुद में बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। नहीं, हमने कुछ चुनिंदा बातें जो आपको याद हो बताइए। जी नहीं, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं, मैं एमएसपी का बाकायदा एमएसपी पर खरीद होना और उसका भुगतान तीसरे दिन होना, ये केवल कहने से बात नहीं बनती है। मैं झूठ बोलने का क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, ये बोल रहे हैं आप अपने जिले में, अब आपने एमपी साहब ने कह दिया, बिल्कुल आपका धन्यवाद। आप चेक कर लीजिए, बराबर ठीक है भाई, खरीदारी भी हुई है सब, और तीसरे दिन भुगतान भी हुआ ठीक। मैं खुद खरीद जाकर मान ली, उनको आपकी बात मान ली भाई साहब, ध्यान से सुन लेना, एमपी साहब ने अपने जिले की जिम्मेदारी ले ली, किसी के धान की खरीद नहीं होगी तो डीएम और एमपी साहब तैयारी कर ले, हम पूरा धान वहां पर लेकर आएंगे, अपना क्रय केंद्र लगवा लो, कहीं पे भी लगवा लो, आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका क्षेत्र है उसमें आप खरीदारी करवा देना। एमपी साहब ने जिम्मेदारी ले ली, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जिसकी भी धान है वो एमपी साहब की जिम्मेदारी है, लेके और मेरठ की डब को अपना चल दो। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत, मिल गई हमें जगह, मिल गई एमपी साहब का ऑफिस, मिल गया घर, मिल गया वहां का डीएम का ऑफिस, मिल गया वहां जो मेला ग्राउंड होगा वो मिल गया, एमपी साहब जगह बताओ लेकर कहाँ है? ऐसा है ना, एक हम समस्या आप बताओ के समस्या पर चर्चा करें, ठीक है आप आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, बराबर स्वागत है आपका। नहीं कहाँ ले, कहाँ जगह बता दो मेरे, ठीक है जी, सुनिए बात को।